भैया, हम मानते हैं हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलेंगे। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, बहन है तो क्या हुआ, तुम झूठ बुलवाओगी? ये हमसे कह रहा है कि हम इसको हीरो बुलाएं, और इसका मुंह देखने के बाद ना कुकुर से ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं मेरे मुंह से। अब यही मुंह के सामने खड़ा है, कह रहा है कि हमको हीरो बुलाओ। नहीं, एक बार तुम खुद कैमरे में देखो कि तुम्हारा मुंह है हीरो जैसा। नहीं, अगर तुम खुद अपना मुंह देख के भौंकने न लगो तो बताना। हाँ, नहीं तो हीरो है ये। हम कुछ भी करें हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे। तुम कैमरे में देखो, अगर तुम्हें लगेगा कि तुम हीरो हो तो हम कलेजे पे पत्थर रख के एक बार हीरो बोल देंगे। हम मानते हैं कि हीरो बुलाने के बाद ना मरने के बाद हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इतना बड़ा झूठ, वो भी जनता के सामने। हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम तुमको हीरो नहीं बुला पाएंगे। निखिल यार, मुझे किसी और से प्यार हो गया, मैं तेको छोड़ के जा रही हूँ। देख, तू जा रही ना, इस बात का दुख नहीं मुझे, लेकिन वापस आके मेरी नई सेटिंग खराब करी ना तो गोली काट दूंगा मैं। सब मुझसे पूछ रहे तुम्हें किस बात का घमंड है? अरे यार, ये घर देख रहे हो ना, जिस घर में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, इस घर को ना मैंने साफ किया है। झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ किया है इस घर में, इसी बात का घमंड है। कभी घर नहीं बदला काम बदलने के चक्कर में। नहीं, मैं इस घर में रोटी मिलती है, मैंने कहा नहीं, मैं रोटी पे काम नहीं करने वाली हूँ। अब ये लोग सब्जी भी देते हैं मुझे। ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर एटीट्यूड की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने वसूलों की पक्का हूँ। ये कहते रहते हैं मुझसे कि अभी झाड़ू मत लगाओ, अभी झाड़ू मत लगाओ। मैं लगाती हूँ, क्योंकि भाई एक ही काम थोड़ी है, झाड़ू लगाना है फिर बर्तन मांजना है, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बस इसी बात का घमंड है कि मैं कभी इन लोगों के कहने पे नहीं करती कुछ भी। इनको 10 बजे खाना चाहिए होता है, मैं 8 बजे तक बना देती हूँ। मैं कहा नहीं, तुम्हारे कहने से क्यों करूं, मैं अपने मन से करूंगी जो काम करना होगा। बस इसी बात का घमंड है भाई, इसी बात का घमंड है। यार, मैंने एक बार अपने जीजा जी को समझाया था कि जहाँ पर इज्जत नहीं होती वहाँ नहीं जाया करते। यार 2 साल हो गए, जीजा जी मेरे घर ही नहीं आए, पता नहीं क्यों। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्या हो गया? हमने इतनी इज्जत दी है, मतलब तुम्हें बता दे, एक बार तो आए थे, हमने देख के दरवाजे बंद कर लिया था। फिर हमने छत से फोन किया कि जीजा जी हम घर पे नहीं है। और एक बार और आए थे, हम पानी पिला रहे थे उन्हें, हमने कहा लीजिए पी लीजिए, तो वो पी रहे थे पानी, हमने कहा जब आते हैं खाते ही रहते हैं। मतलब यार, हम लोग हमेशा ऐसा कभी नहीं कि हम लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, इज्जत इतना भर भर के दे रहे हैं। शायद हमने ज्यादा इज्जत दे दी अपने जीजा जी को। लेकिन हाँ, मेरे जीजा जी हैं बड़े समझदार, जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ नहीं आते। बाकी वेलकम जीजा जी, आइएगा जरूर टाइम मिले तो। लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम कहाँ है, अपना काम कीजिए। हैं जी, काम कीजिए।